मंच पे बैठे सारे नेतागण, प्रकाश अम्बेडकर जी और सारे बड़े नेता हैं, आप सभी को और यहाँ इस रैली में शामिल हुए आप सभी लोगों को मेरे हार्दिक अभिनंदन और जय भीम। ये कैमरा रोहित सरिगा मात्रमे రాలేదు अंदर रोहित सरिगा वचाले कटी। मैं यहाँ सिर्फ रोहित की माँ के नाते नहीं आई हूँ, मैं सब आप सब रोहित के सब लोग जो रोहित के बराबर हैं उनकी माँ के प्रतिरूप में मैं यहाँ आई हूँ। बहुत सारे रोहित आज इस देश भर में हैं जो रोहित जिस तरह के समस्याओं को फेस किया है उसी तरह से बहुत सारे रोहित हैं, उनकी माओ के नाते पे मैं आगे आपके यहाँ आई हूँ। अभी हाल ही में हुए जेएनयू के जो छात्र संघ के चुनाव हुए हैं उससे आप सब लोगों ने जिस तरह से एबीवीपी की हार को हार हराया है उसको उसके लिए आप सभी को अभिनंदन प्रकट करते हैं। मैं ऐसे कोई बादशाह संगठनों को बधाई देती हूँ। आज इस देश में जो अम्बेडकरवादी है जो वामपंथीवादी है ये सब इकट्ठा होके अगर लड़ाई कर देंगे तो देश में ये मनोवाद के जो ताकतें हैं उनको हरा पाएंगे हम सब लोग। हम सब साथ में लड़के इस देश में जो सत्ता हासिल करेंगे हम जो हम और कितने दिन इन मनोवादी ताकतों को अपना जो बहुत ही अहम वोट है उस वोट को इन ताकतों को देके उनके नीचे हम कितने दिन और जिएंगे। इसीलिए हमारा वोट जो हमारे लिए काम करते हैं उनके लिए देना है, हमें अपना सत्ता हमें खुद पाना चाहिए। हमारे देश को हम लोग ही रूल करना चाहिए। ये देश हम सभी लोगों का है, ये देश न सिर्फ किसी एक जात का या एक रिलीजन का या एक तबके का नहीं है, ये देश हम सब लोगों का है। मैं देश की प्रधानमंत्री को एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप दलितों के प्रति काम करने वाले हैं तो मैं पूछ रही हूँ कि आज तक अभी तक क्यों मेरे बेटे के लिए इंसाफ नहीं किया है। मैं
अम्बेडकरवादी है ऐसे सिर्फ अखबारों में बोलने के लिए या इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो रोहित को इंसाफ दिलाना चाहिए। जब तक सभी लोगों को समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी इस देश भर में। मुझे ये मौका देने वाले आप सभी लोगों को जय हिंद।